इधर से कीड़ा निकला हाँ वो वाइट वाइट पहले एक ही निकला फिर उसने बोला सैंडविच खोला तो अंदर कीड़ा ही कीड़ा था एक सैंडविच के बाहर निकला तो उसने सैंडविच खुलवाया आपको अभी अक्षय जानते हो ना यक्ष ठक्कर होटल भी होता है। आज डेट खत्म करते हैं। आज का सम जैसे मैंने सवेरे आपको बोला शेयर्स में आज कैसा इम्पोर्टेंट पार्ट था फॉर फ्यूचर एंड लीडरशिप। वैसे आज रिटायरमेंट और डेथ मिला के आज जो दो सम करने वाले सबसे इम्पोर्टेंट सम है। 195 क्वेश्चन नंबर 3 ओके आज डेथ खत्म होएगा। देखो ऑल ऑफ यू फोकस नाउ Page 195, question number 3 एकदम ध्यान से अभी थोड़ा सबको मिलेगा अभी आपका क्वेश्चन 3 पढ़ो। द पार्टनरशिप अग्रीमेंट इसमें ना पूरा थियोरेटिकल सम है ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा बुक भी चल रही बुक चाहिए आप पढ़ो ध्यान से पढ़ो ये पूरा सम क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। अगर क्वेश्चन आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो गया। द पार्टनरशिप अग्रीमेंट ऑफ अ फर्म कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी हु शेयर प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ हाफ 1/4 एंड 1/4 व्हाट इज हाफ 1/4 1/4 2:1:1 हुज फिक्स्ड कैपिटल्स आर 10,000 6,000 एंड 4,000 रेस्पेक्टिवली provides as follows. So what info we have? The OR is 211 and the fixed capitals are 1064. Don't draw anything. Then the partners be allowed interest at the rate of 10% per annum on their fixed capitals, but no interest is to be allowed on undrawn profits or charged on drawings. मतलब आपको interest on drawings नहीं लेना है, interest on capital लेना है. That upon the death of a partner the goodwill of the firm be valued at 2 years purchase of the average net profits after charging such <Search. laughs>
ही ना ध्यान दो इधर दैट अपॉन द डेथ ऑफ अ पार्टनर द गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 years purchase of the average net profits after charging interest on capital. Did you get this part? आपको कौन सा profit loss चाहिए final होगा after all incomes and expense. Couple of sums before also we have done the same thing. Profit before interest दिया था तो हमने interest minus करके profit after interest ढूंढा था. For the 3 years to 31st December preceding the death of a partner. That is very important. कौन सा 3 साल लेने का है टू द 31st December preceding द डेथ ऑफ अ पार्टनर मतलब अगर उसका डेथ हो रहा है 2016 में तो वी हैव टू टेक टिल 31st December 2015 preceding द डेथ ऑफ अ पार्टनर देन दैट आर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 10,000 ईच is to be taken in individual names of each partner. The premium is to be charged against the profits of the firm. Matlab, is it expense method or asset method? Expense. The premium is charged against the profits. Against the profits, matlab, premium expense hai. Aur ye JLP hai ki ILP hai? ILP. Yaad hai maine concept bataya tha ILP. Individual life policy. जेएलपी के एंड में बताया था इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी जॉइंट लाइफ पॉलिसी सिमिलर कंसेप्ट है जॉइंट लाइफ पॉलिसी में क्या है सबका साथ में एक पॉलिसी है इंडिविजुअल पॉलिसी में यहाँ पे तीनों का 10,000 का है मतलब द क्लेम वैल्यू इज 10,000 सो अपॉन डेथ दे आर गोइंग टू गेट 10 नॉट 10 10 10 वन पार्टनर विल गेट मतलब एक का डेथ हुआ है ना तो उसका 10,000 मिलेगा और बाकी दो का सरेंडर वैल्यू मिलेगा बाकी दो का क्या मिलेगा सरेंडर लेकिन जो भी पैसा मिलेगा whether it is claim, whether it is surrender value will be distributed amongst all the three partners. Okay, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक का डेथ हुआ तो उसको जाएगा 10,000 और बाकी दो का सरेंडर वैल्यू सब मिला के तीनों में ही जाने वाला है ओके अपॉन द डेथ ऑफ अ पार्टनर ही इज टू बी क्रेडिटेड विथ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स वो तो करते ही हो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एटसेट्रा कैलकुलेटेड अपॉन 31st December फॉलोइंग इज डेथ नॉर्मली उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और शेयर ऑफ प्रॉफिट कब तक दिया जाता है अप टू द डेट ऑफ डेथ इधर बोला नहीं अपॉन 31st December फॉलोइंग इज डेथ मतलब पूरे साल का इंटरेस्ट दे दो पूरे साल का शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दो 9 महीना 6 महीना जॉब करते हो ना डेट ऑफ बैलेंस शीट या डेट ऑफ डेथ वो करने की आवश्यकता नहीं है क्यों That statement. Up to 31st December, upon 31st December following his death. Upon 31st December following his death मतलब साल में किधर भी गया हो 31st December तक का interest दो 31st December तक का share of profit दे दो. Okay? That the share of partnership policy, that is joint life policy and goodwill be credited to the deceased partner as on 31st December following his death. मतलब उसको goodwill वगैरह जो भी देना है वो कभी क्रेडिट करना है उसको एंड ऑफ द ईयर 31st December फॉलोइंग इज डेथ नॉर्मली डेट ऑफ डेथ पे होता है इधर यू आर इन पे करना है दैट द पार्टनरशिप बुक्स बी क्लोज एनुअली ऑन 31st December ए डाइड ऑन 30th September 2016 गया कब ऑन 30th September 2016 अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट ऑफ हिज करंट अकाउंट ऑन 31st December 15 वाज 450 rupees And from that date to the date of death, he has withdrawn 3,000 from the business. That is his drawn. And 450 is the value of current account. Okay? An unrecorded liability of 2,000 was discovered on 30th September 2016 and it was decided to record it immediately and paid off. What is this? Reva. Naya liability hai jisko pay off kar lene ka 2,000 rupay ka. On 30th September. The trading results The trading results of the firm before charging interest on capital had been as follows. Profit of 9640 in 2013, 2014, 6720, 2015, loss of 640 and then you have a profit of 3670 in 2016. Assuming the surrender value of the policy to be 20% of the sum assured. 20% of the sum assured. That is what? That is the
सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू क्यों दिया हुआ है? हाँ, बाकी दो का सरेंडर वैल्यू मिलेगा। ओके, अभी करना क्या है, उधर लिख लो प्रिपेयर डेड पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट एंड शो द वर्किंग नोट्स फॉर प्रॉफिट्स कमा गुडविल कमा जॉइंटर पॉलिसी। प्रिपेयर कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट ऑफ डेट पार्टनर, कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट ऑफ डेट पार्टनर एंड वर्किंग नोट्स फॉर प्रॉफिट गुडविल एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी आईएलपी लाइफ पॉलिसी वर्किंग नोट फॉर प्रॉफिट गुडविल एंड लाइफ पॉलिसी। ओके, नाउ वेरी फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सामने फिक्स कैपिटल मेथड है तो ऑल द चेंजेस विल बी डन इन दिस एक्सेप्ट फॉर वन ड्रॉइंग्स, एवरीथिंग गोज इन करंट अकाउंट। गुडविल, गुडविल इज ऑलवेज टेकन इन विच अकाउंट? कैपिटल अकाउंट, नेवर एवर इन करंट अकाउंट। ओके, 12th स्टैंडर्ड में आप करते हो करंट में, सीए में याद रखना गुडविल इज ऑलवेज डन इन कैपिटल, गुडविल कैपिटल में रहेगा, बाकी सब करंट। ठीक है, तो मेक टू अकाउंट्स, रिवैल तो बहुत छोटा सा है। ओके, रिवैल में एक ही आइटम है आपका बॉन्ड रिकॉर्ड एंड लायबिलिटी, इसको वर्किंग नोट में बना दो। मेन आपका रहेगा एज कैपिटल एंड एज करंट अकाउंट। Let's start with the same 5 steps. Tell me, what is my first step? इस सब में चीजें वही है, खाली डेट और कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। सबसे पहला बैलेंस, 5 स्टेप्स, ओपनिंग बैलेंस, दैट इज अ फर्स्ट स्टेप, बराबर है। तो स्टार्टिंग करते हैं करंट से, बाय बैलेंस बीडी, व्हाट इज द बैलेंस इन पार्टनर्स करंट? 40। एंड ऑल्सो राइट डाउन द बैलेंस इन कैपिटल, खाली ए का बनाने का है, क्या है 10,000 है ना। The first step is your balance. Second step, do you have any reserves to be distributed? Don't have. Barabar hai? Third step is go for capital. To koi la nahi raha hai, go for goodwill. All of you make this first working note for goodwill. Goodwill is based on how many years profit? Last 3 years, matlab, should I take 14, 15, 16 or 13, 14? Goodwill ke liye. Padho goodwill ka statement padho. Goodwill ka statement padho. Goodwill is to be calculated at 2 years purchase of the average net profits after charging interest on capital preceding 31st December, preceding the date of death. 13, 14. Understood? Preceding the year. Upon the year. Parak samjha? Hello? So 2013, 2014, 2015. Barabar chhe? What are the profits? It is 9640. 6720 and a loss of 640. Is that correct? Hello? But these are before charging interest on capital, right? Preceding hota hai tab 16 hota hai. 16 se preceding.
मतलब 13, 14, 15 31 दिसंबर तक बराबर है। अपॉन दे रहा है तो मतलब वो भी आ गया सर। ओके बट ये तो बिफोर इंटरेस्ट है, तो मैं क्या हर एक साल से इंटरेस्ट माइनस करूं? एवरेज निकाल कर सकता हूं क्योंकि हर एक साल में अमाउंट सेम है ना, अलग अलग है तो मैं वो मल्टीपल कॉलम बताया था। ये सेम ही है तो एवरेज से निकालो टोटल 15720 टोटल ना। ये माइनस करना है एवरेज 5 to 4 एवरेज प्रॉफिट्स आर 15720 डिवाइड बाय 3 बाय 2 40 अब 5 to 40 इज बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो माइनस इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल्स कितना होगा? आई थिंक आई कैन टेक लंप सम 20,000 है टोटल कैपिटल है बराबर 20 है ना इनटू व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम कैपिटल 10 फॉर हाउ मेनी मंथ्स 12 मंथ्स सो 2000 रुपीज आई सब्ट्रैक्ट आई गेट 3 to 40 दिस इज विच गुडविल सॉरी दिस इज माय एवरेज प्रॉफिट्स आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीज आर एवरेज प्रॉफिट्स After interest on capitals. Is this clear? Average profits after interest on capital. Samjha? Hello? Is goodwill equal to average profits? No. Therefore, total goodwill is equal to 2 into 3 to 4 0, which is 6480 That's total, right? 2 years purchase. Now you have, do you have your ratio? Yes, no. No. It's very simple in debt and retirement. Just remove the debt partner. So you are left with the two other partners with gain and your ratio 1:1, and you get the share of goodwill and simply you can divide it. So is share of goodwill is 6480 ka half hai which is again 3240 this will be between B and C as 1620 and 1620 simple entry kya banegi goodwill ki BC2 hai capital ki current All other adjustments in current except for interest on except for goodwill. Goodwill is a part of capital, not current. Okay. So BC to A. So A may buy B cap and buy C. 1620 Goodwill samjha? All of you understood? Goodwill के बाद revalue में एक ही unrecorded liability था तो मतलब gain की loss है unrecorded liability 2000 था एक ही item था अच्छा ये partner current की capital current तो A current B current and C current This is your loss of 2000. Loss of 2000. Kya hai ratio? 1500-500. A current ka current mein aayega 2 reval. 1000. Ye ho gaya uska share of loss. This is simple, right? स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन है इसके लिए सम पूरा ध्यान से पढ़ने का है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ओके 10 मार्क का आया था ये सब 10 मार्क के लिए नाउ यहां तक समझ में आया शेयर ऑफ लॉस ट्रांसफर्ड बराबर है अभी 5 स्टेप नॉर्मल वाले हो गए अभी 5 एक्स्ट्रा स्टेप कौन से 5 एक्स्ट्रा स्टेप है देखो सैलरी देना है कुछ
ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग्स ड्रॉइंग्स है, करंट में की कैपिटल टू ड्रॉइंग्स कितना है देखो, इसका सेकंड इफेक्ट तो जाएगा, किधर जाएगा आपका कैश बैंक, वो नहीं बना रहे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, हाँ है, तो बाय की टू बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना टाइम का, 9 महीने का कि 12 महीने, क्यों, रीड दैट पॉइंट, पॉइंट नंबर डी, डिफॉर डॉन्की लिख रहे हैं, अपॉन डेथ ऑफ अ पार्टनर, लिखा ही इज टू बी क्रेडिटेड विद हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेट्रा कैलकुलेटेड अपॉन 31 दिसंबर फॉलोइंग इज डेथ, पूरा 12 महीने का देना है उसमें। नॉर्मल समय ये चीज कितने महीने की होती है, 9 महीने की, 30th September गया, दिस थिंग वुड हैव बीन फॉर 9 months, ओके, यहाँ पे 12 महीना, इसका कैपिटल कितना है 10,000 का, तो इंटू 12% 10% बस फॉर 12 महीने, तो 1,000 रुपया इसको दे दिया हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और एक चीज बची है शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, लेट्स मेक अ वर्किंग नोट फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, मुझे बताओ शेयर ऑफ प्रॉफिट का कुछ क्राइटेरिया दिया है, कैसा, 2 साल का एवरेज, 3 साल का एवरेज, क्यों नहीं दिया है, क्योंकि ये साल का प्रॉफिट दिया है, दिख रहा है, हेलो समझा, ये साल का पूरा प्रॉफिट दे दिया है, बेसिकली पार्टनर्स ने क्या सोचा, 30th September को डेथ हुआ है, सब 9 महीने का मगजमारी करने से अच्छा है दिसंबर में फाइनल अकाउंट बन रहा है इसको दे देते हैं, 12 महीने का इंटरेस्ट दे देते हैं, 12 महीने का शेयर ऑफ प्रॉफिट दे देते, 3 महीना ज्यादा दे दिया, क्या ही फर्क पड़ा, इज इट क्लियर, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए कुछ क्राइटेरिया नहीं दिया है कि लास्ट 2 इयर्स एवरेज 3 इयर्स, ठीक है, इस साल का प्रॉफिट ही है आपके पास, कितना है प्रॉफिट, 3670, ठीक है, 2016 का प्रॉफिट, बट वो 3670 तो सबका है, तो उसमें अपने को एज शेयर ऑफ प्रॉफिट ढूंढना है, अच्छा फॉर 9 मंथ्स और 12 मंथ, हाँ बट 1 minute. These profits are before interest or after interest? Before interest. बराबर 1 minute. Share of profit में इधर लिखो profits before interest. Profits before interest is how much? 3670. This is 2016 का दिया हुआ. But profit before interest. आपको कौन सा चाहिए? Before की after? After interest. तो माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल का 20,000 पे 10% फॉर फुल ईयर, तीनों का मिला के 2,000, तो ये माइनस किया तो यू गेट 1670 इज प्रॉफिट्स आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी इसमें पूरा दे दूं, इसमें एज शेयर ऑफ प्रॉफिट अराउंड 1670 का भी हाफ विच इज 835, तो व्हाट एंट्री शुड आई पास फॉर दिस 835, इट इज बाय पीएनएल सस्पेंस 835, 3670 का दिया है, देखो 2016 का प्रॉफिट 3670 दिया हुआ है, 2016 का प्रॉफिट है, मिला टेक्सटबुक नहीं है सामने, लास्ट पॉइंट पर 4 साल का प्रॉफिट दिया है, 3 साल प्रीसीडिंग है 2016 का, 3670 दिया है, मिला ऑल क्लियर यहां तक। एक और चीज बाकी है, ये 12th में नहीं है, जेएनपी आईएलपी, सो उसका एक नोट बनाओ, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी, ओके
इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी देखो कितना है, ए बी सी तीनों का क्लेम वैल्यू इज हाउ मच, 10,000 10,000 10,000 मेरा हेलो। अभी अमाउंट रिसीव, अमाउंट रिसीव में ए का डेथ हो गया, ए का 10,000 मिलेगा, बट बी और सी का कौन सा वैल्यू मिलेगा, सरेंडर वैल्यू मिलेगा विच इज 20% ऑफ 10,000, दैट इज 2,000 फॉर बी एंड 2,000 फॉर सी। इज दिस क्लियर? तो ए का यू विल गेट क्लेम, बट बी और सी का यू गेट व्हाट, सरेंडर वैल्यू। अभी टोटल अमाउंट रिसीव्ड इज हाउ मच, टोटल अमाउंट रिसीव्ड इज 10,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000 विच इज 14,000। अब क्या 14 का 14 पूरा ए को दे दिया जाए, उसका शेयर। अच्छा एसेट एसेट अप्रोच था कि एक्सपेंस अप्रोच था, तो जो एक्सपेंस प्रीमियम आपका एक्सपेंस, तो ये जो भी है पूरा इनकम है, बराबर है, तो पूरे के पूरे 14,000 इनकम है, इसमें ए इज शेयर ऑफ पॉलिसी इज हाउ मच, 14,000 में उसका 1/2 विच इज 7,000। इज दिस क्लियर? 14,000 में 1/2 दैट इज हाउ मच, 7,000। डिड यू गेट दैट? ए को कितना जाएगा 7,000। अच्छा एंट्री कैसे करनी है, थ्रू रिवाइल की डायरेक्टली, डायरेक्टली करनी बेटर है, रिटायरमेंट में बोला था रिवाइल करो या फिर डायरेक्टली। एंट्री क्या है, बैंक टू पॉलिसी, पॉलिसी टू क्या कहते, क्या कहा, व्हाट इज द एंट्री फॉर जॉइंट लाइफ पॉलिसी, आईजीएल पॉलिसी, बैंक टू पॉलिसी, पॉलिसी टू कैपिटल। तो बैंक टू पॉलिसी तो नहीं दिखेगा इधर, बट पॉलिसी टू कैपिटल की जगह पॉलिसी टू करंट, सो बाय लाइफ पॉलिसी, डोंट लाइक जॉइंट लाइफ और इंडिविजुअल लाइफ, सिंपली राइट बाय लाइफ पॉलिसी। कितना जाएगा इसको, 7,000। अच्छा बाकी 3,500 किसको जाएगा, बी और सी, बी और सी वो हम नहीं दिखा रहे, बैंक टू पॉलिसी, पॉलिसी टू कैपिटल। नहीं इधर भी हो, इंडिविजुअल हो, जॉइंट हो, कैसा भी पॉलिसी हो, जो भी पैसा रिसीव करोगे तीनों, क्योंकि प्रीमियम तीनों ने भरा। सर सिर्फ ए मार रहा है तो बी और सी का क्यों सरेंडर, डेथ में ना सरेंडर कर ही देते हैं, हाँ अलग अलग है, बट इन डेथ दे नेवर रीवैल्यू, रिटायरमेंट में वो लोग कर सकते हैं क्योंकि सरेंडर वैल्यू आ रहा है, इधर क्लेम वैल्यू आ गया है, तो वो लोग अभी रिकंसाइल करके वापस चेक करेंगे कि 2 जन में कितना क्लेम का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, नया पॉलिसी लेगा। डेथ में कंपल्सरीली सरेंडर, रिटायरमेंट दे में रीवैल्यू, सरेंडर वैल्यू आ रहा है, सोल्ड वैल्यू इसके साथ। ओके क्लियर विद द लास्ट पार्ट, डेथ में हमेशा पैसा ले ही लेने का, जॉइंट हो तो क्लेम आएगा, इंडिविजुअल हो तो एक का क्लेम दो का सरेंडर, ले ही लेने का। ओके ऑलवेज अभी डायरेक्टली क्लोज मत करना, ये आपने 12th में नहीं किया, करंट बंद होके क्या बैलेंस शीट में जाएगा, करंट बंद होके जाएगा कैपिटल, और कैपिटल बंद होके जाएगा एग्जीक्यूटर्स को, तो ढूंढो 2 इज कैपिटल डिसोल्यूशन में क्या 5 to 8 में था ही नहीं करंट, 5 to 8 बेटा ये सिर्फ डेथ पार्टनर, डेड पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर का होता है, नॉर्मल रिटायरमेंट के सम में बाकी दो पार्टनर का करंट कैपिटल में मत डाल दे, वो बैलेंस शीट में जाएगा, ये बंद हो रहा है, ये अकेला डिसॉल्व हो रहा है, डिसोल्यूशन करते थे ना करंट टू कैपिटल, कैपिटल टू बैंक, ये अकेला डिसॉल्व हो रहा है, बाकी कोई डिसॉल्व नहीं हो रहे, समझा, अकेले का डेड का करंट टू कैपिटल, कैपिटल टू लोन, बाकी दो का करंट टू कैपिटल नहीं करने का, बाकी दो का करंट भी बैलेंस शीट और कैपिटल भी बैलेंस शीट, कंटिन्यू हो रहा है बिजनेस, गॉट इट, जो बंद हो रहा है उसका करंट टू कैपिटल, कैपिटल टू लोन, 5 to 8 5 आया, हेलो
अभी इसका फाइनल फाइनल डिफरेंस टू इज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट 198 क्वेश्चन 7 198 7 देखो ध्यान दो इधर ए 198 सन नंबर 7 3 इस भी पाए वन नाइनटी एट चलो पेज 198 सब नंबर 7 पीटर पॉल एंड प्रिंस वेयर पार्टनर्स ये भी एकदम ध्यान से पढ़ना इज बी फाइन दिस वाज अ ट्रेडर ओके नाउ रियल मोड पीटर पॉल एंड प्रिंस वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1 ओवर 2:1:1 इट वाज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड दैट In the event of retirement or death of a partner, he or his legal representatives would be paid. Number one, balance in the capital account. Detail. Number two, his share of goodwill of the firm valued at 2 years' purchase of the normal average profits after charging interest on fixed capital for the last 3 years to 31st December preceding the retirement or death. Same. 17 में डेथ हुआ तो 14, 15, 16 देन ही शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ व्हिच शैल बी टेकन ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर एज इंक्रीज्ड बाय 25% वंस अगेन रीड ही शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट डेथ मतलब इसमें कोई 12 महीने का देने का अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट यदि देने का अब शेयर ऑफ प्रॉफिट पीएनएस में कैसे कैलकुलेट करना है वो दिया है इट इज बेस्ड ऑन टू बी टेकन एज ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर एज इंक्रीज बाय 25% मतलब लास्ट ईयर का प्रॉफिट 25% से बढ़ा और फिर उसको शेयर हेड और मंथ बराबर है एवरेज एवरेज नहीं बोला इनको लगता है कि पिछले साल जो कमाया था उससे 25% ज्यादा ये साल कमाए दैट इज द एस्टिमेट इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम दो पेएबल टू द पार्टनर्स विल नॉट बी पेएबल इन द ईयर ऑफ डेथ और रिटायरमेंट मतलब वैसे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है बट डे ईयर ऑफ डेथ या रिटायरमेंट में उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का बाकी दोनों का मिलेगा खराब लॉजिक है बेचारा मर गया रिटायर हुआ उसी साल उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का नहीं बट है ऐसा क्लॉज डाला हो नॉर्मल ईयर्स में सबको मिलेगा ईयर ऑफ रिटायरमेंट डेथ वाले साल में उस रिटायरिंग डेट पार्टनर को देने का नहीं बाकी को देने का देन ऑल द एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ एंड द प्रॉफिट और लॉस डेबिटेड और क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट्स इन द पीएसआर अंडरलाइन दैट आपका जो रीवैल का प्रॉफिट लॉस है वो कहाँ जाना चाहिए कैपिटल अकाउंट मतलब वो अगर करंट अकाउंट है तो उसमें दिखाने का नहीं है किसमें दिखाने का है पीटर डाइड ऑन 30th September 2016 द बुक्स ऑफ पीटर आई थिंक इज द फर्स्ट पार्टनर पीटर पॉल प्रिंस 211 द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन कैलेंडर ईयर बेसिस फ्रॉम 1st January to 31st December
द बैलेंस इन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स एज ऑन 1st January 16 वेयर पीटर 10 पॉल 5 प्रिंस 5 दोज आर द फिक्स्ड कैपिटल्स 10 5 5 द बैलेंस इन द करंट अकाउंट ऑन 1st January 16 वेयर पीटर 20 पॉल 10 प्रिंस 7 ये भी सिंपल है बैलेंस है Drawings of Peter till 30th September were 10,000. Drawings kind for the year. Profits of the firm before charging interest on capital. As usual, before interest on capital ka profit diya hai. For the calendar years 2013, 2014, 2015, the 1 lakh, 1 lakh 20 and 1 lakh 50. These are the profits. Pre-interest hai ki post-interest hai? Pre-interest. Apne ko baat kya chahiye? The profits include the following abnormal items of credit. अभी profit on sale of asset पड़ा हुआ है, insurance claim पड़ा हुआ है. क्या ये regular है कि abnormal है? अच्छा, अब सुनो ध्यान से. जब आप goodwill calculate करते हो, तब आपको sustainable profits चाहिए. तो normal profits चाहिए. तो तब आप सारे abnormal items हटा देते हो. याद एक बार पहले भी किया था हमने गुडविल कैलकुलेट करते वक्त अबनॉर्मल आइटम हटा देने का तो पिछले साल का अबनॉर्मल प्रॉफिट है तो सब्ट्रैक्ट अबनॉर्मल लॉस है तो आएगा गुडविल कैलकुलेट करते वक्त क्या कैलकुलेट करते वक्त गुडविल बट इफ यू वांट टू कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट इफ यू वांट टू कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट पीएनएल सस्पेंस क्या उसमें आपको ऐसा सस्टेनेबल प्रॉफिट का लफड़ा है कुछ कंसिस्टेंट बेसिस पे वो तो करंट ईयर का एस्टीमेट है उसमें तो नॉर्मल अबनॉर्मल कुछ भी हो सब लेना पड़ेगा तो ये कंसेप्ट याद रखना ये अबनॉर्मल नॉर्मल वाला कंसेप्ट किसके लिए सिर्फ गुडविल के प्रॉफिट के लिए पीएनएल सस्पेंस के प्रॉफिट के लिए उसमें तो जेन्युइन प्रॉफिट चाहिए जो कमाया है उसका हिस्सा वो लेके जाएगा डेडिया रिटायर फर्क समझा हेलो याद रखना प्लस इधर हर एक साल में ना अलग अलग आइटम्स है तो मल्टीपल कॉलम से ही होगा क्योंकि इंडिविजुअल ईयर में चेंजेस है प्रॉफिट्स का ओके देन द फर्म हैज टेकन आउट अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ 1 लाख अभी यहां पर ही देख के पता चलता है कि जेएलपी है और डेथ हुआ है तो क्या मिलेगा मिलेगा 1 लाख का क्लेम बिसाइड्स द पार्टनर हैड सेवरली इंश्योर्ड देयर लाइफ फॉर 50,000 ईच मतलब आईएलपीबी जेएलपी तो 1 लाख का था इंडिविजुअल 50,000 का लाइफ पॉलिसी है प्रीमियम इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ बीइंग चार्ज टू पीएनएल अकाउंट That's your hint. Is it expense method or asset method? Expense method. The premium has gone to P&L. The surrender value of the policies were 30% of the face value. So, अगर 50,000 की पॉलिसी है, तो 15 और 50. एक जो डेथ हुआ है उसका 50 मिलेगा, बाकी सबका 15 और जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है उसका 1 लाख मिलेगा. तो टोटल कितना मिलेगा? 180. 1,80,000 में उसको उसका शेयर देना पड़ेगा करता हूं नोट ऑन 30th June 2016 द फर्म हैड रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी दैट द इंश्योरेंस प्रीमियम इन रिस्पेक्ट ऑफ फायर पॉलिसी वो फायर पॉलिसी है हैड बीन अंडरचार्ज टू द एक्सटेंट ऑफ 6,000 इन द ईयर 2015 एंड द फर्म हैड टू पे इट इमीडिएटली रीड इट अगेन 2016 में it received a notice from insurance company that a premium was undercharged in the year 2015 and the firm had to pay it immediately. ये है क्या? रिवैल्यू है एक तरीके का बट कैसा रिवैल्यू है इज इट प्रॉपर एसेट रिवैल्यू की रेक्टिफिकेशन रेक्टिफिकेशन क्योंकि एक एक्सपेंस अंडरचार्ज हुआ है पिछले साल में जिसको आपने बढ़ा के क्या किया अभी एक्चुअल वैल्यू पे ले आए दिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट रेक्टिफिकेशन आगे दिया है द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स इंडिकेट्स दैट एन अपवर्ड रिवीजन इन द वैल्यू ऑफ एसेट टू एन एक्सटेंट ऑफ 20,000 ये रीवैल्यूएशन है दोनों दिखेगा रीवैल्यूएशन लेकिन वो जो 6,000 है ना वो रेक्टिफिकेशन है कि 2015 का एक्सपेंस 2016 में कर रहे हो बट ये जो 20,000 है वो क्या है रिवैल्यू दैट इज नॉर्मल रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट
कहां इफेक्ट करेगा बताता हूं. द प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द अमाउंट ड्यू टू पीटर्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन 30th सितंबर विद नेसेसरी वर्किंग्स. पूरा सम एक बार डिस्कस किया है, अब वापस एक बार एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे. करंट अकाउंट भी है, कैपिटल भी है, तो जस्ट लाइक दिस प्रॉब्लम मेक अ स्मॉल रीवैल कैपिटल एंड करंट एंड लॉग मेनी वर्किंग नोट्स. देखो फर्स्ट ग्रेड ध्यान से समझना पूरा सब कुछ. चलो जानते रखो अभी. फर्स्ट स्टेप स्टार्ट विथ वॉट ओपनिंग बैलेंस. ओके स्टार्ट विथ ओपनिंग बैलेंस. सो मुझे बताओ देख के पढ़ते जाना सर व्हाट इज द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ऑफ पीटर. करंट और कैपिटल मिला क्या. एकदम शांति से पढ़ना सर. थोड़ा इधर उधर नजर गया वाट लग जाएगा. काफी लेंदी समय. 20,000 आपका करंट अकाउंट है, कैपिटल में 10,000 मिला. बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या करते हो आप. रिजर्व्स. यू गॉट एनी रिजर्व्स. कैपिटल है नहीं. गो टू गुडविल. अभी गुडविल का नोट एकदम अच्छे से बनाना है तो मल्टीपल कॉलम्स का बनेगा. तो यहाँ पे आप शुरुआत करना पहले इयर्स, फिर लिखने का प्रॉफिट्स बिफोर एडजस्टमेंट. प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट फिर लिखने का इंश्योरेंस क्लेम एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट. इधर लिखने का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट. फिर लिखने का इंश्योरेंस क्लेम. ओके फिर लिखने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. फिर लिखने का अच्छा एक और चीज वो जो 6,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम दिखाई दे रहा है आपको वो क्या है. रीवैल्यू की रेक्टिफिकेशन. तो वो भी प्रॉफिट को इंपैक्ट करेगा. याद है हमने एक सम में वो आई डोंट रिमेम्बर वो 6,000 का उसको था इंश्योरेंस प्रीमियम का शायद खर्चा बढ़िया था रेमुनरेशन था तो प्रॉफिट में से हटाया था. रीवैल्यूएशन पार्ट ऑफ प्रॉफिट को इंपैक्ट नहीं करने वाला क्योंकि वो सालों का चेंज है. एक साल का रेक्टिफिकेशन विल इंपैक्ट द प्रॉफिट. तो क्या हुआ 2015 में आपने इंश्योरेंस प्रीमियम गलत बताया था इसलिए 2016 में रेक्टिफाई किया उसको. दिख रहा है मिला. तो दैट इज इंश्योरेंस प्रीमियम. इंश्योरेंस प्रीमियम ओके. उसके बाद आएगा प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट. प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट पतला पतला कॉलम बनाएगा. ये लास्ट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट आराम से फिट होएगा. हेडिंग बड़ा है अंदर तो नॉर्मल अमाउंट ही लिखना है. वो पेटी कैश का कॉलम इतना पतला पतला बनाओ.
आगे बोल नहीं सकते पहले जल्दी जाओ नाउ चलेगा करो जो पेस में करोगे सांझा भी उतना फास्ट होएगा मेरे को है मैं 10 मिनट में करके चला तुमको समझना भी तो चाहिए ना चलो अभी इयर्स 2013, 2014 and 2015 बराबर है हेलो Okay, now शुरू एक मिनट 2013, 2014, 2015 है ना सॉरी दैट रेक्टिफिकेशन इज हैपनिंग इन 16 तो ये नहीं आएगा रेक्टिफिकेशन इज इन 16 तो ये उसमें आएगा Because 2016 में यह rectified, but the expense belong to 2015. बराबर है। Now, क्या हो गया? Please be quiet. First one, profits before adjustments are how much? 1 lakh. 1,20,000 and 1,50,000 बराबर है? Yes. 1,20,000 and 1,50,000. 2016 में rectify किया है, but expense belongs to 2050. So it will come. Yes, yes. Profits current year का नहीं last year का impact होता है. PNL adjust. Now silence. अभी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट तीनों साल में 5, 7 और 10 मिला 5, 7, 10 प्लस होगा कि माइनस क्यों ये अबनॉर्मल गेन है हर साल होने वाला नहीं अच्छा इंश्योरेंस क्लेम 2 साल में ही है 2013 एंड 2015 3,000 and 12,000 मिला तो ये भी माइनस होगा कि प्लस होगा अब नॉर्मल लॉस है तो प्लस गेन है तो माइनस मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ईयर ऑफ रिटायरमेंट डेथ में नहीं देना है तो यहाँ पे किसी साल में ईयर रिटायरमेंट डेथ का नहीं तो तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करना ही है आपको तो कितना है 2,000 है सही बात है हेलो कैसे मिला 2,000 क्लियर है सबको 20,000 × 10/100 फॉर फुल ईयर अंडरस्टूड टोटल कैपिटल 20,000 10% 12 महीना इंश्योरेंस प्रीमियम कौन से साल में इफेक्ट करेगा कितना है 6,000 था ना 2015 को इफेक्ट करेगा बस अब फाइनल वैल्यू 1,00,000 - 10 आई थिंक दिस इज 90,000 देन 120 - 9 दिस इज 1,11,000 And 150 - 22, 24, 28, 1,22,000. Is that right?
So 233 and 323,000 आना चाहिए शायद. आया आया बात बात 321 आया. नाउ यू गो फॉर एवरेज प्रॉफिट्स. माइंड यू दीज आर गुडविल का. व्हेन यू वांट टू डू शेयर अ प्रॉफिट यू कांट टेक दिस वन. 2000 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आपको अबनॉर्मल आइटम का कुछ लेना देना नहीं है. एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 321 डिवाइडेड बाय 3 1,07,000 मिला. 1,07,000 इस गुडविल इक्वल टू 1,07,000 टू ईयर है ना. हाँ तो टोटल गुडविल is 2 into 1,07,000 which is 2,14,000. Am I right? समझ आ रहा है? Average लिया, into 2 किया, total good. अब ढूंढो new ratio दिया है, तो just like previous problem, पहले वाले को उड़ाओ, 1:1 सीधा share. तो right here, Peter's share of goodwill is how much? 2,14,000 ka 2/4 which is 1,07,000 and this 1,07,000 will be divided in the ratio of 1:1 between Paul and Prince. So 53,500 is that right? Hello. So entry for goodwill is what? Paul Prince to Peter. हेलो हाँ कैपिटल में कि करंट में कैपिटल गुडविल इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ कैपिटल. ओके लॉन्ग टर्म अमाउंट बिग अमाउंट. सो इट इज पॉल प्रिंस टू पीटर कैप. तो पीटर कैप में बाय पॉल कैप एंड बाय प्रिंस कैप. दिस इज 53,500 ये हुआ आपका गुडविल. बराबर है? अच्छा मैंने इंश्योरेंस का 6,000 लिया लेकिन रीवैल्यूड एसेट का 20,000 कहीं नहीं लिया. क्यों? तो एक साल का नहीं है अफेक्टेड. एक्सपेंस इनकम का रेक्टिफिकेशन नहीं है. सालों का चेंज होता है. वो सीधा कैपिटल में जाए. वो रीवैल प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं करेगा. ओके डन. करंट ईयर प्रॉफिट और वन ईयर प्रॉफिट इट वोंट अफेक्ट. सालों का डिविजन. नाउ उसके बाद गुडविल हो गया. रिवाइल पे जाते हैं. रिवाइल पे देयर आर टू आइटम्स. एक तो वो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम का रेक्टिफिकेशन. तो गेन और लॉस. तो टू इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है? इंश्योरेंस प्रीमियम 6,000 है मिला. और एसेट भी अपवर्ड रिवैल हुआ है ना. तो बाय सेंट्री एसेट कितना? तो यहाँ पे आपको 14 का प्रॉफिट मिल रहा है. दो ही आइटम थे ना रिवैल में. हेलो पार्टनर करंट की पार्टनर कैपिटल? नहीं नॉर्मली इट वुड हैव बीन करंट. लास्ट समय तो करंट में लिया था. फिफ्थ पॉइंट Fifth point पढ़ो. Any revaluation, profit, loss should be debited and credited to which account? Partner's capital. हाँ, ये पढ़ो. उधर का इधर डाल दिया गलत हो जाएगा. This is Peter Cap. Question करो कि agreement में वैसा दिया है तो वैसा करो. Paul Cap and Prince Cap. कितना है? 7,35,35. बराबर है? इसमें से इधर जाएगा बाय रिवैल 7,000. सॉर्टेड. इट वुड हैव गॉन टू करंट बट सिंस दे हैव स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन वी डोंट इन कैपिटल.
चक्कर आ रहा है Done? Is this clear? तीन लोग नहीं आए ना, तत्व एक है, जिनय गाला और कीर्ति कांति का नहीं। चलो ध्यान दो इधर, हो गया बोर्ड पर देखा, पहला पांच स्टेप डन रिवाइंड तक। अब जाते हैं एक्स्ट्रा फाइव स्टेप्स मेरा दिन नहीं है और तुम्हारे बाजू में कोई नहीं है। चलो बोर्ड पे देखो, अभी फर्स्ट फाइव स्टेप डन, नेक्स्ट फाइव स्टेप फोकस। ध्यान दो, उसमें सबसे पहला ड्रॉइंग्स है उसका, कौन से अकाउंट में कैपिटल की तरह लिखो टू ड्रॉइंग्स, कितना था 10,000 का ड्रॉइंग्स हो गया। अच्छा, डू यू हैव इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, नहीं है। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है लेकिन देना नहीं, योर ऑफ डेथ रिटायरमेंट में देने का नहीं, वो भी क्या। अब बचा क्या, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड सैलरी रेमुनरेशन। सैलरी रेमुनरेशन है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओके, शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है। शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए क्या बोला गया, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। अच्छा, शेयर ऑफ प्रॉफिट से पहले पॉलिसी कर लेते हैं, उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट बता। पहले पॉलिसी देख लो, पॉलिसी दो है, एक है जॉइंट लाइफ पॉलिसी, एक है इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी। मेरा हेलो लिखो, वर्किंग नोट टू में जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितने की थी, 1,00,000 बराबर है मिला। अभी ILP इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी वो तीनों की अलग अलग ली गई थी, पीटर और प्रिंस गिविक्वर्ट, जिसका क्लेम वैल्यू कितना था आपका हर एक का, 50,000 am I right? Now what amount will you actually receive in case of Peter's death? You'll receive 50,000 for Peter's policy and इसका क्लेम और इन दोनों का सरेंडर वैल्यू, बराबर है। तो कितना है सरेंडर वैल्यू, 30% है ना, तो 15,000 और 15,000 बराबर है। सो टोटल अमाउंट रिसीव इज इक्वल टू JLP प्लस ILP विच इज इक्वल टू हाउ मच, 1,80,000 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 which is sorry, 1,50,000 plus 50 plus 50 which is 1,80,000 am I right? Is this clear? पूरा पैसा कितना मिलेगा आपको, 1,00,000 पॉलिसी का, ILP में इसका 50, इनका 15 15, ये समझा। 1,80,000 टोटल आ रहा है, इनका पूरा उठा के पीटर को देना है, जो भी पैसा आता है विल बी डिवाइडेड इन PSR। ये एसेट मेथड था, एक्सपेंस मेथड था, जो आया वो पूरा इनकम है। एंट्री क्या होगी, बैंक टू पॉलिसी, पॉलिसी टू कैपिटल, कितना देना है पीटर को, पीटर्स शेयर ऑफ पॉलिसी इज 1,80,000 में 2/4 90 आ रहा है ना, 90,000 कैपिटल में की करंट में बाय लाइफ पॉलिसी, बैंक टू पॉलिसी, पॉलिसी टू कैपिटल 90,000। JLP ILP दोनों साथ में, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अभी शेयर ऑफ प्रॉफिट का, देख लो वीडियो से। नाउ वीडियो से देखेगा, चलो ध्यान दो इधर, मिला 90,000 मिला,
हेलो अभी लास्ट पार्ट है दैट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट फोकस शेयर ऑफ प्रॉफिट ओके ध्यान से अभी बोर्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट ध्यान से देखना क्या दिया है शेयर ऑफ प्रॉफिट के बारे में कि रीड दैट स्टेटमेंट पॉइंट नंबर 3 इज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ which shall be taken on proportionate basis of profits of the previous year as increased by 25%. So previous year ka profit ko 25% se badhane ka, that is the estimated profit of this year. Uske basis pe usko share dene ka hai, theek hai? Ab mujhe ye sab average earner ke lafde mein jaane ka zarurat nahi. Okay, board pe dekhna. वर्किंग नोट 3 दैट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट अभी व्हाट इज माय प्रीवियस इयर्स प्रॉफिट 1,50,000 ओके वैसा लिखो 2015 का प्रॉफिट इज 1,50,000 बराबर है बट दीज आर प्रॉफिट्स बिफोर एडजस्टमेंट ओके क्योंकि मेरे को इसमें ना एक चीज सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्या 6,000 का इंश्योरेंस बराबर है तो माइनस इंश्योरेंस प्रीमियम दैट इज 6,000 ये सब्ट्रैक्ट किया तो आई गेट 1,44,000 इज दैट राइट 1,50,000 का प्रॉफिट था 6,000 का प्रीमियम माइनस होगा करना है कि नहीं करना करना है क्योंकि रेक्टिफिकेशन का होगा ही समझ में आ रहा है अभी ध्यान दो इस भी पर सो 1,44,000 इज माय एडजस्टेड प्रॉफिट बट आर दीज प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और आफ्टर इंटरेस्ट ऑन बिफोर आपको चाहिए आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना बट उसका एक कैच है कि इस साल का एस्टिमेट ढूंढ रहे हो आप तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब पार्टनर का माइनस करने का कि दो का ही करना है हाँ लास्ट ईयर का होता तो 3 का ये साल का है तो 2 का बराबर है अच्छा प्लस ये प्रॉफिट तो है ना 25% से बढ़ाना तो माय क्वेश्चन टू यू इज Should you subtract interest on capital first and then increase it by 25% या increase it by 25% and then subtract interest? पहले subtract पहले इंटरेस्ट माइनस करूं फिर 25% से बढ़ाऊं द करेक्ट आंसर इज पहले यू हैव टू इंक्रीज इट बाय 25% देन सब्ट्रैक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय सुनो अगर अगर आप पहले ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करते हो सपोज तो आप ऐसे सोच रहे हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 25% से बढ़ा है विच इज नॉट द सिचुएशन बाकी सारा इनकम एक्सपेंस 25% से बढ़ा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25% से बढ़ा नहीं है एक सिंपल एग्जाम्पल सपोज आपका बिफोर इंटरेस्ट का प्रॉफिट था 20,000 और इंटरेस्ट का 2,000 तो आफ्टर इंटरेस्ट कितना हुआ 18 तो अगर आप 18 को 25% से बढ़ाते हो तो ये हो जाएगा 22,500 तो इसका मतलब क्या है कि ये भी 25% से बढ़ा है और ये भी 25% से बढ़ा तब जाके आपको मिलेगा 22,500 समझ आ रहा है तो इधर आप अज्यूम क्या करते हो अगर
आफ्टर इंटरेस्ट के प्रॉफिट को 25% से बढ़ाते हो तो आप क्या सोच रहे हो कि सारा इनकम सारा एक्सपेंस 25% से बढ़ा ही है, बट इंटरेस्ट भी 25% से बढ़ा है। बट इज दैट द सिचुएशन? नो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25% से बढ़ा हुआ नहीं है। तो आपने क्या किया, पहले एकदम एक स्टेप है, इंटरेस्ट से पहले का प्रॉफिट ढूंढ लिया। ये कौन सा प्रॉफिट है, इसमें सारा इनकम और सारा एक्सपेंस आ गया, सारा इनकम और सारा एक्सपेंस, खाली एक एक्सपेंस मैंने नहीं लिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो मैं अभी माइनस नहीं करेगा, 25% बढ़ाने के बाद करेगा, क्योंकि इंटरेस्ट 25% से बढ़ा नहीं। तो पहले इसको इंक्रीज करो, इंक्रीज बाय 25%। तो 25% कितना होता है, 36,000। दिस विल बिकम 1,80,000। अभी वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्रीज करके मिला 1,80,000, आई एम राइटिंग इट ओवर हियर 1,80,000। ओके, अभी 1,80,000 में से आई विल सब्ट्रैक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो डाउट। तो माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट तीनों का कि सिर्फ दो का, क्यों दो का, क्योंकि ये करंट ईयर का एस्टिमेटेड प्रॉफिट का बात चल रहा है, तो करंट ईयर के एस्टिमेटेड प्रॉफिट बांटे करंट ईयर का इनकम एक्सपेंस, बाकी तो मैं नहीं ले सकता क्योंकि वो इंक्रीज करके दिया, एक तो ले ही सकता हूँ। तो करंट ईयर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे लेना है, 20 पे की 10,000, 10,000 पे 10% फॉर 12 महीना, पूरे साल का ढूंढ रहे हो ना पहले, तो फिर उसका शेयर दे देंगे उसको, 1,80,000 मिला, 25% बढ़ाया। अभी माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना है, हर साल में 2,000 माइनस कर रहा था, लेकिन इस साल में 2 करना है कि 1,000, क्यों, पीटर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला नहीं है, तो पॉल और प्रिंस का लिया, 9 महीने का लूंगी 12 महीने का, 12 महीने का आई रीड फाइनल प्रॉफिट, फुल प्रॉफिट रिया रिया। हाँ, अरे यू नीड पहले तो फाइनल प्रॉफिट और लॉस, उसमें उसका शेयर, दैट टू फॉर 9 मंथ्स, उसमें आ ही जाएगा 9 महीने का, पहले तो फाइनल ही लेने का शेयर 9 महीने। तू यार ऐसा करके ऐसा और रिया दिया किया वाले सब में भी तो बताया था, अभी तो 1,80,000 है, एक चीज पूरे साल का, एक चीज 9 महीने के लिए, ये 9 महीना नहीं लेना है, फुल ईयर के लेना है सारा, ये फुल ईयर लिया, हां उसका शेयर है वो 9 महीने। हां वो 9 महीने बाद डेट हो गया ना उसका, तो 9 महीने का प्रॉफिट देंगे उसको। 9 महीने का प्रॉफिट का मतलब क्या, 9 महीने का इनकम माइनस 9 महीने का एक्सपेंस, तो ये 12 महीने का इनकम एक्सपेंस है, सब 12 महीने का ले लो, उसके बाद 9 महीने का ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा ना, समझा? तो इधर 9 महीना मत लेना, इंटरेस्ट माइनस करते फुल 12 महीना, लेकिन 2 पार्टर की 3 पार्टर, क्यों दो, इस साल एस्टिमेटेड में खाली बैलेंस शीट लास्ट डे पे बना रहा है, बट ये लास्ट डे पे नहीं हो रहा है, ये सब 30 सितंबर को हो रहा है, ये सब का कैलकुलेट 12 महीने का करो, 12th स्टैंडर्ड का पीएनएल सस्पेंस, क्या करता है तू, प्रॉफिट एवरेज लेता है, एवरेज उसका शेयर लेता है, उस पे 9 महीना मारता है, बराबर है, वो एवरेज प्रॉफिट क्या है, इस साल का एस्टिमेटेड प्रॉफिट है कितने टाइम, 12 महीने का, उसमें सारा इनकम सारा एक्सपेंस आ गया, वही कर रहे हैं हम लोग। इधर खाली एक एक्सपेंस से पहले का मैं वो एक्सपेंस माइनस कर रहा हूँ 12 महीने, तो 10,000 का 10% 12 मंथ कितना होता है 1,000, तो ये बनेगा 1,00,000, ये क्या है 1,79,000, इस साल का एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 12 मंथ्स फॉर होल फर्म, फॉर होल फर्म, इसमें आई नीड पीटर्स शेयर, तो 1,79,000 में कितना है 2/4 दैट टू फॉर 9 मंथ्स, कितना 6,7,125, 9/12 भी लेना है और 2/4 भी लेना है, 6, 7, 1, 2, 5, क्यों, लास्ट मंथ लास्ट सम में 12 मंथ्स का दिया था उसको अपॉन 31st December, इधर अब पूरा रेट ऑफ देती है 9 महीना ही आएगा, तो 6, 7, 1, 2, 5 करंट में करूंगी कैपिटल, तो बाय पीएनएल सस्पेंस 6, 7, 1, 2, 5, आई थिंक विद दैट योर प्रॉब्लम इज डन, करंट का डिफरेंस ढूंढो, ये जाएगा पीटर कैपिटल में,
और इधर आएगा बाय पीटर करंट और ये जाएगा टू पीटर्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। चलो बताओ ये तो 167125 बराबर है और इसका फाइनल फाइनल आंसर 291125 ऐसा है। घर पे जाके एक बार वापस देखना तो अभी वॉशरूम ले लो सब लोग। अच्छा इसके बाद फर्स्ट सम ले लो, फर्स्ट सम नहीं हुआ अपना यही फर्स्ट सम और बाकी है क्या जो किसी ने मार्क किया है सब हो गया है ना बाकी नहीं है ना कुछ छोटा सा उसमें कंडीशन नहीं था कि डेथ या रिटायरमेंट में इंटरेस्ट नहीं देने का, इसलिए दिया है। ये पढ़ना पड़ा नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज इन द इवेंट ऑफ डेथ और रिटायरमेंट। हाँ बोलो ये सब मॉड्यूल है आज का दोनों सब मॉड्यूल तीनों सब इंटरेस्ट ये इसलिए तो खतरनाक है ये मॉड्यूल सब है। ओके तो आ ही सकता है पक्का पक्का सब करके जाओ अभी सुनो। ओके ये अभी फर्स्ट सम देखो सब लोग क्वेश्चन वन ध्यान दो क्वेश्चन वन अरुण तरुण एंड नेहा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1 मिला। नेहा डाइज ऑन 31st May 2016 सेल्स फॉर द ईयर 2015-16 अमाउंटेड टू 4 lakhs एंड प्रॉफिट ऑन सेल्स वेयर 60,000 क्या अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31st March एवरी ईयर सेल्स फ्रॉम 1st April 2016 टू 31st May 2016 आर 1 lakh कैलकुलेट डिसीज्ड पार्टनर शेयर इन द प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। अभी नॉर्मली हम लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसा ढूंढता है लास्ट ईयर का प्रॉफिट या एवरेज लेके 12 महीना या उसका मंथ्स और शेयर उधर हम लोग क्या अज्यूम करता है कि प्रॉफिट्स आर इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द ईयर अज्यूम करता है कि प्रॉफिट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर लेकिन जब भी ऐसा टर्नओवर रनओवर दिया रहेगा ना सेल्स वगैरह इसका मतलब प्रॉफिट्स आर बेस्ड ऑन सेल्स प्रॉफिट्स आर बेस्ड ऑन सेल्स ये हर एक बिजनेस में जरूरी नहीं कि प्रॉफिट्स आर इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द ईयर अभी कोई सीजनल बिजनेस रहेगा इसका बारिश में छतरी अम्ब्रेला रेनकोट्स का धंधा है तो बारिश का 4 महीने पूरे साल का कमाई करेगा वो मेजोरिटी बाकी साल ऑफ द ईयर विल बी वेरी कैजुअल। सो अगर उस पार्टनर का डेथ जून टू सितंबर का महीने में हो गया 4 महीने में तो लमसम प्रॉफिट मिल जाएगा और बाकी टाइम पे डेथ हुआ तो प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है क्योंकि डिपेंड्स विच टाइम ऑफ द ईयर ही हैज वर्क विच टाइम ऑफ द ईयर ही हैज वर्क इज इट क्लियर। सो दैट्स व्हाई अगर सेल्स दिया क्या दिया है
इसका मतलब प्रॉफिट्स aren't spread evenly throughout the year, सेल के हिसाब से प्रॉफिट है. तो सेल्स के बेसिस पे यू हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट. अगर सेल्स टर्नओवर दिया है ना, यू हैव टू कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट बेस्ड ऑन सेल्स. गॉट इट? सो कैसा करने का, देखो बहुत सिंपल है. आपका 2015-16 का सेल्स कितना है? 2015-16 का सेल्स 4 लाख मिला. हाँ, ये छोटा सा नोट ही है. हाँ, 2015-16 छोटा सा वर्किंग नोट का ही सम. ओके, और इसका डेट हुआ है 31 मई 16 को. 2015-16 का सेल्स पूरे साल का कितना था? 4 लाख मिला. और उन पूरे 4 लाख पे आपने कितने का प्रॉफिट बनाया? 60,000. अभी उसका डेथ हुआ है 31 मई को, तो आपको 1/4/16 से 31 मई 16 का सेल्स दिया हुआ है. कितना है? 1 लाख. तो इसपे कितना प्रॉफिट बनाया होगा? 15,000. बट ये 15,000 तो सबका है, इसमें नेहा का शेयर चाहिए. तो नेहा शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 15,000 का नया शेयर 1/6 विच इज 2,000. मंथ्स लेने का नहीं, मंथ्स लिया ना मतलब आप अज्यूम करते हो कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ये इवनली नहीं है, ये सेल्स के बेसिस पे प्रॉफिट हो रहा है. तो अगर उसने इस 4 महीने में काम किया तो 1 लाख के सेल का प्रोपोर्शनेट मिलेगा. नेक्स्ट 4 महीना कुछ किया रहेगा तो शायद सेल्स कम भी हो ज्यादा भी हो, वी डोंट नो. जितना सेल है उतना प्रॉफिट. गॉट इट? प्रॉफिट्स आर बेस्ड ऑन सेल्स नॉट ऑन टाइम यहाँ पे, बिकॉज सेल्स दिया हुआ. सिंपल कैलकुलेशन समझे कैसे किया? 4 महीने का प्रॉफिट 15,000, उसमें उसका सेल्स. डू नॉट टेक 4 मंथ्स ओवर हियर, बेस्ड ऑन सेल्स एंड नॉट ऑन टाइम. ओके, दैट्स इट. एक और सम करवाएं. अच्छा रिवाइज करना. अच्छा, एडमिशन रिटायरमेंट डेट हो गया है. इज्जत से पूरा मॉड्यूल पढ़ने का चालू कर दो. शो देयर मी अ टेस्ट, अनाउंस करूंगा मैं, अनाउंस करूंगा डेट. बट इज्जत से बोल रहा हूँ, अभी से पढ़ाई चालू कर दो. मॉड्यूल